पाकिस्तान के स्पीकर असद कैसर तुर्क हम मनसब के साथ सैफ अफरीकी पार्लियामेंट सदूर के पहले इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के शहर बाकू में पहुंच चुके हैं। तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर मुस्तफ़ा सेंटोप के साथ चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन भी सैफ अफरीकी पार्लियामेंट सदूर के पहले इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर मुस्तफ़ा सेंटोप का कहना था कि बाकू एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल पर आज़रबाईजान के रहबर कमांडर इन चीफ अलहाम अलयफ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें कभी नहीं लगा कि हम किसी गैर मुल्क में आए हैं। दूसरी तरफ तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन का कहना था कि इजलास से तुर्की आज़रबाईजान और पाकिस्तान के इत्तेहाद को बहुत फायदा होगा। आखिर में अली शाहीन और स्पीकर मुस्तफ़ा सेंटोप और स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान असद कैसर के हमराह गाजी अंतप्पी में 21 साल शहीद मोहम्मद वालिद वल्द मुस्तफ़ा की कब्र पर हाजिरी दी जो 1918 में रूस के खिलाफ जिहाद के दौरान शहीद हुआ था। कैनेडा